नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको काफ़ी इजी तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप 2 मिनट में होम्स ऑपरेटिंग के कस्टमर केयर से बात कर पाओगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी ध्यान से लास्ट तक देखें ताकि आपको यह तरीका मालूम हो जाए कि आप होम्स ऑपरेटिंग के कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा। तो अब चलिए मैं आपको पूरे अच्छे से समझाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आप होम्स ऑपरेटिंग के कस्टमर केयर से कैसे बात कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप होम्स ऑपरेटिंग यूज़ करते हैं, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई पर आपको पता ही नहीं है कि कैसे आप उनके कस्टमर केयर से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पर दोस्तों अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से 2 मिनट में उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में जाकर होम्स ऑपरेटिंग कस्टमर केयर नंबर टाइप करना है। दोस्तों ध्यान से देखो आपको क्या टाइप करना है, एक बार फिर से देख लो। आपको गूगल के सर्च बॉक्स में होम्स ऑपरेटिंग कस्टमर केयर नंबर टाइप करना है। अब आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको सबसे ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, 1800-103-1818। बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस नंबर को सिलेक्ट करोगे वैसे ही आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। उस ऑप्शन पे आपको कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका कॉल होम्स ऑपरेटिंग के कस्टम केयर डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। आपको उनके बताए गए कुछ निर्देशों को फॉलो करते जाने लगभग 2 मिनट बाद ही आपकी बात होम्स ऑपरेटिंग के कस्टमर केयर से हो जाएगी, जहां से आप अपने किसी भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको एकदम सही और जेन्युइन नंबर मिल जाएगा और एकदम लेटेस्ट वर्किंग नंबर मिल जाएगा जिस पर आपकी बात हो जाएगी। तो दोस्तों आपको जब भी होम्स ऑपरेटिंग के कस्टमर केयर से बात करना है आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। इस तरीके से आपको नया नंबर मिल जाएगा जो इस समय वर्किंग होगा। आशा करती हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।